स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11 से, और मैं आज इसके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए समझ में आता है यार, लाइक पहले से ही कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो चीज़ें भी अवेलेबल है सब कुछ कर दो यार मेरे लिए, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँ। फिलहाल ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको पार्ट वाइज मैं बना दूंगा। लेकिन फिलहाल जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ज़्यादा स्कूल में आता है, मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो उसके 5 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ और पार्ट 2 में और भी करवा दूंगा, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो 5 क्वेश्चंस आज करवाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, आप कर ले जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ आपसे, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मैथमेटिक्स स्टडी हब का, प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिसमें डेली क्विज होते हैं, रिवार्ड्स बच्चे जीतते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर भेजते हो स्क्रीनशॉट। एक बार जरूर जाएं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप हर चैप्टर वाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसी असाइनमेंट से ही करवा रहा हूँ, आप जाके जरूर ये सब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने बोला ना आज 5 क्वेश्चन करेंगे, अब क्लियरिटी आ जाएगी। तो वैसे तो साइन एक्स का, अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। और अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स है, तो आंसर तो कॉस एक्स ही आएगा, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं, नहीं तो वेबसाइट पर जाए, फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो साइन एक्स का फॉर्मूला है कॉस एक्स, अब आंसर तो कॉस एक्स आना है, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से लाना है, यानी कि प्रूव करना ही कह सकते हैं। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि इसको हमें लिमिट से सॉल्व करना होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमें फॉर्मूला यूज करना होगा जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन होंगे, इससे सॉल्व करना, इससे हमारा आंसर cos x आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो जो क्वेश्चन में दिया जाए, जैसे यहां पे sin x है, उसको तो आप एफ एक्स लिया करें, तो एफ एक्स है sin x। अब आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले अगर आपका ये फिक्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन है इसी से करना है। एफ एक्स तो आपको दिख रहा है sin x है, अब आपको चाहिए क्या है, एफ एक्स प्लस एच। शुरुआत में लगता है ये एफ एक्स प्लस एच क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से। तो जो काम आपने LHS में करा वही RHS में कर दीजिए, तो साइन इस x की जगह आ जाएगा x प्लस एच। क्लियर हुआ, यानी जो दिया होगा उसको आपको एफ एक्स लेना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब फॉर्मूले में वैल्यू किसकी और पुट करनी है, एफ एक्स प्लस एच की। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फॉर्मूला है तो इसमें एफ एक्स प्लस एच है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है, लिमिट में हम ये देखते हैं कि अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है। जैसे सपोज करो अगर मैं एच के लिए 0 पुट करूं, तो एच 0 हो गया, तो ये साइन एक्स आया, ये माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया 0, यहां आया एच 0, ये है 0/0 फॉर्म, अभी 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका मतलब मुझे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। आप कई बार अगर एलजेब्रिक है तो फैक्टर एक्टर करके कर लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन एक्स, ये पूरा अगर हम एक्स ले लें और ये इसका वाई ले लें, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें तो 2 cos x + y/2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 cos x + y/2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x + y, यानी कि x आपका ये है x प्लस एच प्लस y आपका x है अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई, यानी कि x प्लस एच माइनस का x अपॉन 2 अपॉन h, ये आ गया x से x हो गया कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos
एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2x प्लस एच अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच, ये आ गया सिंप्लीफाई हो गया। जब आप सिंप्लीफाई कर लें कोई फॉर्मूला, फिर आप ये देखा करो कौन से टर्म प्रॉब्लम करने वाले हैं, प्रॉब्लम मतलब 0.0, और कौन से टर्म प्रॉब्लम नहीं करेंगे, एक डेफिनेट वैल्यू दे देंगे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना ट्रिक, अगर ये समझ में आ गया ना लिमिट का, अभी हम और भी वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं यही ट्रिक यूज करने वाला हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप कहते हो ना लिमिट टफ है, हमें समझ में नहीं आ रहा लिमिट कहाँ से सॉल्व करें, क्या पुट करें, मेरा मेथड सीख लिया ना, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को, लाइक जरूर कर देना समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो मैंने बताया कि अगर जब आप सिंप्लीफाई कर लें, फिर ये देख लिया करें कौन से टर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम मतलब 0.0 फॉर्म बना रहे हैं, और कौन से 0.0 फॉर्म नहीं बना रहे हैं, एक डेफिनेट वैल्यू दे रहे हैं, उनको अलग कर देंगे। चलिए देखते हैं, अगर मैं h को 0 पुट करूं तो 2x प्लस 0 2x होगा, 2 2 कट जाएगा, cos x आ जाएगा 2 cos x, देखो ये टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। चलो जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है उसको टिक कर लेते हैं, ये दोनों 2 तो एक कांस्टेंट नंबर, ये क्या प्रॉब्लम करेगा, इस पे आते हैं दोनों पे। h 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है और h 0 तो 0 ही है, ये दोनों टर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रॉस वाले, तो जो मैंने टिक करे उनको अलग लिमिट देते हैं और जो क्रॉस करा उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इधर मैं कर देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं ये टर्म ये टिक वाले एक साथ कर ले रहा हूँ, 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, और लिमिट हम ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई में अलग अलग, तो वो मैं अलग अलग कर दिया, एक टर्म इसका बना दिया टिक वाले का और एक क्रॉस वाले का, साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच, समझ में आ गया, जो समझ में आया ना कि जो 0.0 फॉर्म बना रहा है उसको अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो, बस ये ट्रिक सीख गए तो सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए अब h को 0 इसमें पुट करना है, ये लिमिट इसके लिए है, तो अगर मैं h को यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो 2 cos 2x प्लस 0.2, और जब आप लिमिट पुट कर दो तो लिमिट हटा दिया करो। अब इस पे बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ये चैप्टर करवाया होगा आपको स्कूल में भी, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन x है तो ये 1 होता है, क्या होता है, ये 1 होता है अगर साइन x अपॉन x हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और बहुत यूजफुल है, बार बार अभी यूज भी होगा कि साइन x अपॉन x, यानी लॉजिक क्या है कि साइन के साथ जो उसका एंगल है वही चीज़ अगर डिवाइड में है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। बाकी इसके प्रूफ पर अगर बात करें तो 11th में प्रूफ नहीं आता है, बाकी जब हम थोड़ा आईडी के क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर लें ये फॉर्मूला कि इसकी वैल्यू 1 होती है। लॉजिक क्या है, साइन के साथ जो नंबर है वही हमें डिवाइड में चाहिए। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे साइन एच वाई टू है, डिवाइड में एच है, तो अगर मैं सेम कर दूं यानी 2 से डिवाइड कर लिया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन अब आप देख पा रहे हो ये चीज सेम हो चुकी है, मतलब जो इसका एंगल है वही चीज हमारी डिवाइड में है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, तो ये तो आ जाएगा 1 और ये 2 जो मैंने डिवाइड में ले लिया तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 2 cos 2 से 2 कट गया ये तो x हो गया इन 2, और ये वैल्यू 1 हो गई है तो 1 बाई 2 क्योंकि ये 2 डिवाइड में है, 2 से 2 कट गया और ये आंसर क्या आ गया cos x। तो इस चीज़ को ध्यान समझें, जो यहाँ एंगल हो वही चीज़ डिवाइड में चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 1 इस फॉर्मूले से, बाकी जो 1 बाई 2 है वो मैंने यहाँ लिख दिया, सॉल्व हो गया cos x। और ये मैंने स्टार्टिंग बताया था sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x है, देखो आ गया cos x, हो गया वेरीफाई, बस आपको इस तरीके से करना होगा। तो चलिए अभी 5 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट हुआ है, आपको और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल क्या करें, रट जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर से वही करना है, एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स लिख लेंगे cos x और एफ एक्स प्लस एच होगा, बस x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच से। अब अगर बात करें आंसर की, तो आपने अगर cos x का डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये डेरिवेटिव यानी कि आंसर जो है माइनस साइन x ही आएगा। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, dy dx डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos x माइनस cos y का, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2।
ठीक है। तो कई बार बुक में ये माइनस नहीं होता यहाँ पे, लेकिन वाई माइनस एक्स होता है, तो वो आप देख लें, दोनों चीज़ सही है, तो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये भी सही है और वो भी जो दे रखा है वो भी सही है। तो अब अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस का एक्स अपॉन टू अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस का टू साइन एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, एक्स एक्स कट जाएगा, अब तो वही सेम प्रोसेस यूज होगा, तो आपको भी रट ही जाएगा थोड़ी देर बाद, अपॉन एच ही आ गया। अब मैंने आपको लॉजिक क्या दिया था इसके बाद, कि आपको ये देखना है कौन से टर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं कौन से टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। तो देखो, जब हम एच को जीरो पुट करेंगे तो टू एक्स आएगा, क्योंकि इधर जीरो है, और टू कट के साइन एक्स आएगा, यानी कि माइनस टू साइन एक्स, तो ये तो कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, यही फिर से आ गया वही पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो ये दोनों टर्म प्रॉब्लम करेंगे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इसको अलग कर लेते हैं, माइनस का टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, कभी भी गलती से ये टू और ये टू कैंसिल मत करना, ये एंगल में ये अंदर ही रहेगा, कभी अलग नहीं होता, कुछ लोग इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ना करें, और एक लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन टू अपॉन एच। तो लास्ट टाइम फॉर्मूला कौन सा लगाया था, कि अगर यहाँ पे एच वाई टू है तो यहाँ पे भी अगर हम एच वाई टू बना लें, तो टू से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया, मैं फिर से भी लिख देता हूँ, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर कहीं भी है तो ये वन होता है, तो अगर एंगल सेम है और यहाँ डिवाइड में भी सेम है तो ये वन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, तो माइनस का टू साइन एच की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट टू इन टू, ये रिजल्ट क्या आया था लास्ट टाइम, फिर से वही आएगा वन बाई टू, ये टू से टू कट जाएगा, तो माइनस का टू साइन एक्स इन टू वन बाई टू, टू से टू कट गया, आ गया माइनस साइन एक्स, और यही इसका आंसर था कॉस एक्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, अभी फिर से करेंगे थर्ड क्वेश्चन, बार बार आपको स्टेप रट ही जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, एक बार नोट कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, फिर से वही एफ एक्स लिखना है, टेन एक्स, टेन एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो एफ एक्स हमारा हो गया टेन एक्स, और एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा टेन एक्स प्लस एच, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे डी वाई डी एस का, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि टेन एक्स प्लस एच माइनस का टेन एक्स अपॉन एच। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इसके फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, लेकिन टेन एक्स माइनस टेन वाई का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, टेन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का पढ़ा है, टेन एक्स माइनस टेन वाई का नहीं पढ़ा है, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये अपॉन में एच है तो एच रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एक आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अभी एच के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, अभी हम इनमें एलसीएम ले रहे हैं, तो होता क्या है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, ये कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस कॉस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और ये जो एच है वो यहाँ डिवाइड में रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, मैं यार लिख दूं, सिंस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये अगर आपका ए है ये आपका बी है, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, ये आप देख लें फॉर्मूले वाली लिस्ट में, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन
क्या है, ए माइनस बी, तो ए हमारा एक्स प्लस एच है माइनस माइनस बी हमारा क्या है एक्स है। तो ये पूरा ए वन टू थ्री फोर, फोर जो टर्म्स इधर लिखे हुए हैं इन सबकी जगह एक सिंगल टर्म आ गया, समझ में आया? नहीं तो लोग सोचे अरे इतना सारा ये कैसे आ गया, समझ में आ रहा है? इतना ही आएगा साइन ए माइनस बी में। अब पॉन ये टर्म जो है एच का क्या होगा, ये भी डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसी भी सोच सकते हो, इसके नीचे वन ले लेते हैं, ये वन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर आपको डिवाइड वाला रूल अगर याद है तो एच मल्टीप्लाई में आ गया इसके, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर ये देखते हैं कौन से टर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एच को जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो होता है और ये जीरो जीरो पॉइंट जीरो, तो ये प्रॉब्लम वाले हैं क्रॉस क्रॉस कर लिए, ठीक है। अगर यहाँ एच को जीरो रखूंगा तो कॉस एक्स और ये भी कॉस एक्स, ये दोनों डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर लेते हैं टिक वाले को और क्रॉस को अलग कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टिक वाला मैं पहले लिख लेता हूँ वन अपॉन, अब ये वन कैसे आ गया, न्यूमिरेटर में मान सकते ना वन का मल्टीप्लाई है, तो ये तो डिवाइड में है तो जीरो अपॉन तो लिखोगे नहीं, वन अपॉन लिखोगे, तो वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू, अब बाकी के टर्म लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच। बस अब ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, अभी बताया भी मैंने दो क्वेश्चन में, ये वन हो गया और यहां एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो जब आप एच को जीरो रखोगे तो कॉस एक्स आएगा और एक कॉस एक्स इसमें मल्टीप्लाई में है और ये है वन, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स। और अगर आपने टेन एक्स का डेरिवेटिव पता है तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, जब फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा तो आपको पूरा ये सब करना पड़ेगा। तो आइए अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर ले, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का, फॉर्मूला वही है। तो स्टार्ट करते हैं, तो एफ एक्स हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और एफ एक्स प्लस एच हो गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन, जो भी एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच से। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन एच। अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, गलती से ये मत सोचना साइन एक्स माइनस साइन वाई है, अभी ये रूट लगा है तो अभी फॉर्मूला वैलिड नहीं है अभी। तो अब रूट वाले क्वेश्चन में क्या करें, वैसे अभी तक तो हम लोग टेंथ क्लास तक यही सीखते हैं कि नीचे अगर स्क्वायर रूट कटर में तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। लिमिट में याद रखना चाहे न्यूमरेटर में रूट के टर्म्स हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम समझते हो, मतलब अगर मैं एच को जीरो पुट करूं तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगा, है ना, एच जीरो रखा रूट साइन एक्स माइनस रूट एक्स साइन एक्स जीरो और एच जीरो, तो हमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जैसे हम डिनोमिनेटर के लिए करते थे यहां न्यूमरेटर के लिए भी करेंगे। क्लियर हुआ, लिमिट्स के क्वेश्चंस में अगर रूट है न्यूमरेटर में और वो टर्म प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, हमारी लिमिट्स हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही, हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो उस केस में उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इस चीज का ध्यान रखें, मैं आने वाले क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा उसमें ये चीज रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसके अपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। यहां प्लस रहेगा, क्लियर। अब न्यूमरेटर में आप देख पा रहे हो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको अप्लाई कर देते हैं, तो रूट साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, क्लियर। अब रूट पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप जानते हैं रूट हट जाता है, तो यहाँ सिंपल साइन एक्स प्लस एच बचेगा और यहाँ पे साइन एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस का
साइन एक्स अपॉन एच स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस का रूट साइन एक्स, यही तो आएगा। जब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई स्टेप ले लेते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे वो सिंप्लीफाई हो जाता है, हम ये देखते हैं कि कौन सा टर्म प्रॉब्लम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा लॉजिक आपको समझ में आ गया। चलिए एच को अगर जीरो में यहां पुट करूं इसमें, तो एच जीरो हो जाएगा, ये रूट साइन एक्स बचेगा और ये रूट साइन एक्स है, तो यहां से रिजल्ट मिलेगा टू रूट साइन एक्स, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू। तो ये पूरा टर्म टिक कर लेता हूं कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए बाकी को देखते हैं। अगर मैं यहां पे एच को जीरो रखूं तो साइन एक्स बचेगा और ये माइनस का साइन एक्स है, तो जीरो हो जाएगा न्यूमरेटर और ये एच तो जीरो है, ये जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बना रहा है, यानी इसको, इन सबको और इसको, ये क्रॉस में, यानी ये सब एक साथ रहेंगे और इसको अलग कर देंगे, यानी दो लिमिट में अलग कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं दो पार्ट में अलग। चलिए मैं इधर ही कर देता हूं थोड़ा एक स्टेप। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो प्रॉब्लम नहीं कर इसको मैं अलग कर रहा हूं, ये वाला टर्म अलग कर देता हूं, यानी वन अपॉन, याद रखें न्यूमरेटर में वन तो हम ले ही सकते हैं, और डिवाइड का टर्म लिख दो रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस का रूट साइन एक्स। ये लिमिट तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। अब क्या बचा लिमिट में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये टर्म, साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर, तो मैंने जो दो लिमिट में ब्रेक करा है इसको सॉल्व अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहां पे एच को जीरो पुट कर देंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन टू रूट साइन एक्स। ठीक है, और एक जो लिमिट है वो हमें सॉल्व करना है अभी, क्योंकि क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैंने एच को जीरो पुट कर दिया साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, और ये तो जीरो है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है तो उसको हमें फॉर्म में लगा के या सिंप्लीफाई करना होता है। लेकिन इसको ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया था, जब आपने फॉर्मूला अप्लाई करा था तो यही फॉर्मेट ही बना था। आप चाहो तो पहला क्वेश्चन पूरा रिपीट कर लें, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, कॉस एक्स आया था, इसका मतलब है इस लिमिट को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसका आंसर कॉस एक्स आएगा। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है कि अगर हम कुछ बेसिक सीख जाते हैं तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट और अच्छे भी करेंगे, उनमें कहीं ना बेसिक बेसिक रूल आ जाएगा जो हम ऑलरेडी शुरुआत के क्वेश्चन में जिनमें हमने अप्लाई किया था। समझ में आया, ध्यान से देखो। अब जाओ तो फिर से वीडियो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यही लिमिट सॉल्व की है साइन एक्स के लिए, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, और इसका आंसर कॉस एक्स आया था। लेकिन मैं फिर से शॉर्ट में कर देता हूं और सबको आपको बता भी देता हूं, ये तो वन अपॉन टू रूट साइन एक्स है। ठीक है, मैंने वहां पर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया था, और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला था टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक्स था ये वाई, टू कॉस एक्स, एक्स हमारा एक्स प्लस एच है, प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा अभी था, यहां भी मैं बता दे रहा हूं, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और बाकी सबको ऐसे ही लिख रहने दिया। तो अब सिंपली करते हैं, वन अपॉन टू रूट साइन एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू कॉस 2x प्लस एच अपॉन टू, एक्स एक्स कट गया, साइन एच अपॉन टू अपॉन एच। फिर से वही रूल, जो टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो आपने देखा था जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये दोनों ये टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे, और साइन एच अपॉन एच वैसे ही प्रॉब्लम करता है, तो इसको अलग कर देंगे इसको अलग। तो वन अपॉन टू रूट साइन एक्स इन टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू कॉस 2x प्लस एच अपॉन टू को अलग कर लेते हैं, और एक लिमिट में इसको और इसको कर देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन टू अपॉन एच। अगर आपको याद हो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो एक्स होता है वही हमें एक्स बनाना होता है, तो टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई, जिससे ये वन बन जाएगा और यहां से वन बाई टू आ जाएगा। तो वन अपॉन टू रूट साइन एक्स, अगर यहां पे एच को जीरो पुट करेंगे तो टू एक्स अपॉन टू यानी कॉस एक्स आएगा, टू कॉस एक्स इन टू, ये तो वन हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां ये वन बाई टू बच जाता था, तो ये वन बाई टू, तो टू से ये टू कट गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा, न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस एक्स दिख रहा है, तो कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स। तो इसका आंसर हो गया कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स, यानी कि रूट एक्स साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका आंसर आ रहा है कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स। आप नोट कर लिए एक बार, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, और अभी फोर क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, ये भी उसी पे बेस्ड है कि रूट कॉस एक्स का करना है। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताओ यार कि आपको समझ में आ रहा है, और आप और वीडियो बनाए इस तरह कुछ कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स को देखूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं भी काम करूँ, ठीक है? तो कमेंट जरूर करें। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स करना है, तो वही हमेशा की तरह एफ एक्स लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, फिर हम एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि रूट कॉस एक्स प्लस एच माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन एच। अब लॉजिक क्या है कि रूट कटर में तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो वही करते हैं, रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। न्यूमरेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एच मल्टीप्लाई में ये टर्म स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, रूट से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एच प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। फिर क्या लॉजिक है, जो टर्म प्रॉब्लम कर रहे हैं प्रॉब्लम यहीं पे यही करेगा, क्योंकि एच को जीरो रखोगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ये जीरो होगा और यहाँ पे एच जीरो होगा, तो ये टर्म प्रॉब्लम करने वाले हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एच को जीरो रखोगे रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स ये डिफाइंड वैल्यू आएगी, तो इसको अलग लिमिट दे देंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इसको वन अपॉन हम ये लिख लेते हैं। सेम चीज़ है, बार बार रिपीट होती तो रट ही जाता है कि यार करना क्या है, बस आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ये मैंने अलग कर दिया और बाकी का टर्म ये और ये अलग कर देते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे अगर लिमिट जीरो रख दें तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स आएगा, और यहाँ जो लिमिट है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अगर आप एच को जीरो रखते हो तो यहाँ जीरो अपॉन जीरो आएगा, ठीक है? और इसको देखें ध्यान से, तो जो सेकंड क्वेश्चन करा है यानी कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो यहाँ से आया था माइनस साइन एक्स, क्या आया था अगर आप थोड़ा देख लें, सेम क्वेश्चन था ये पूरा, हमने लिमिट सॉल्व करा है सेकंड क्वेश्चन में, उसमें आंसर आया था साइन एक्स, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका आंसर क्या है, ये तो हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स यही आएगा, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। तो कैसे किया था, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है? तो वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला था माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये था फॉर्मूला, ठीक है? एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वही सेम आपको करना है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन एच अपॉन टू अपॉन एच, फिर से वही है कि ये टर्म टिक कर लेंगे, ये क्रॉस कर लेंगे, यानी कि इनको अलग करना है, इसको अलग करना है, वही देखना है आपको इंडिटरमिनेंट कौन कौन सा है, तो वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स, इस लिमिट को अलग कर लेते हैं टिक वाली, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू को अलग कर लेंगे, और बाकी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन टू को एच को अलग कर लेंगे। क्या इसमें क्या रूल है, वही टू से डिवाइड करेंगे और यहाँ टू से मल्टीप्लाई, ये वन आएगा और ये वन बाई टू बच जाएगा, और यहाँ क्या आ गया वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स इन टू, यहाँ अगर एच को जीरो पुट कर दें टू एक्स अपॉन टू एक्स आया, तो माइनस का टू साइन एक्स इस लिमिट से, और इस लिमिट से आता है वन बाई टू, तो टू से टू कट गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस का साइन एक्स अपॉन टू रूट
कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं बार बार स्टेप रिपीट ही हो रहे हैं, अगर हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो। आइए आज हमने जो 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के, इनमें आपके स्कूल टेस्ट में जरूर आ जाए, और अगर दूसरा भी आ जाए तो आपको एक लॉजिक तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी मैं और ही वीडियोज़ बनाऊंगा, आप जुड़े रहें और फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही।